नमस्कार, मैं हूं प्रवीण बागी। हमारे साथ हैं श्री के एन गोविंदाचार्य, देश के जाने माने सामाजिक चिंतक और राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के प्रणेता रहे, बीजेपी से लंबे अरसे तक जुड़े रहे और उसके राष्ट्रीय महामंत्री रहे। बीजेपी में सोशल इंजीनियरिंग शुरू करने वाले गोविंदाचार्य जी ही हैं, मगर आज ये दूसरे तरह के कामों से जुड़े हुए हैं और पूरे देश की यात्रा कर रहे हैं। 20 वर्ष पूर्व बीजेपी से अध्ययन अवकाश इन्होंने लिया था और उसके तहत पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं, सामाजिक, राजनीतिक और स्वदेशी मुद्दों को लेकर के जन जागरण चला रहे हैं, गंगा के लिए काम कर रहे हैं और कैसे गांव में किसानों की हालत बदले, कैसे किसान खुशहाल हों, गाँव तरक्की करे, इस पर भी इनका चिंतन मनन और सक्रियता है। अभी पटना आए हुए हैं, हम इनके साथ विभिन्न विषयों पर बातचीत करेंगे। आज देश कहाँ जा रहा है, किस स्थिति में है, सामाजिक बदलाव कैसे होंगे और कैसे देश आगे बढ़ेगा, देश की जो राजनीतिक सामाजिक स्थिति है उस पर इनके क्या विचार हैं, इस पर हम इनकी राय जानेंगे। गोविंदाचार्य जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले आपने 20 वर्ष पूर्व अध्ययन अवकाश लिया था बीजेपी से और अलग हो गए थे, अपनी अलग काम आपने शुरू किया था। वो अध्ययन अवकाश आपका जारी है, आप पूरे देश में घूम रहे हैं अभी भी, तो उस अध्ययन अवकाश से क्या आपने देखा, क्या उसका निष्कर्ष अभी तक आपने पाया है? तो अध्ययन का अवकाश लिया था 2 वर्ष जी, और वो 2003 जनवरी 15 को ख़त्म हो गया। अच्छा। विषय था वैश्वीकरण का समाज, संस्कृति, राजनीति और अर्थनीति पर पड़ने वाले प्रभाव और उसकी काट या समाधान जी। तो उसमें से मैंने जो पाया कि वैश्वीकरण अंधाधुंध है और ये देश के लिए बहुत उपयोगी नहीं है, देश के अंदरूनी ताकत को ये प्रदीप्त नहीं कर सकेगा। और मुझे लगा कि उसकी प्रवृत्ति है केंद्रीकरण की, एक रूपता की, एक रूपीकरण के साथ साथ बाजारवाद की, उसके साथ साथ उन्मुक्त उपभोग ही जीवन का लक्ष्य बन जाएगा। तो वो सब बातें तो सही ही, 20 वर्ष में आप मैं घूम रहा हूँ, तो इसके समाधान के लिए ही हमने बौद्धिक, रचनात्मक, आंदोलनात्मक काम तीनों शुरू किए थे। आज कह सकते हैं कि कौटिल्य इंटरनेशनल फाउंडेशन और सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज़, इन सब के माध्यम से बौद्धिक काम में सैकड़ों अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, रचनात्मक कामों को इकट्ठा किया, तो मैं कह सकता हूँ कि 2000 प्रयोग धर्मा लोग भारत विकास संगम के तत्वावधान में सज्जन शक्ति के नाते जुटे हुए हैं। तो उसका कुछ असर दिख रहा है, जो उसका अभी असर बताते हैं, अनुभव कर रहे थे कि तो उसका अनुभव, जैसे उदाहरण के लिए आंदोलनात्मक काम में राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन था, तो उसमें हम लोगों ने पंचायतों को एक फ्री राशि मिलनी चाहिए और ईयरमार्क न हो तो बजट का 7% हो, उस दिशा में काफ़ी प्रगति हुई है, सरकार ने भी उस दिशा में प्रयास किया है। अब उसके क्रियान्वयन में कई कमियां होंगी जो कालांतर में दूर होंगी, ऐसे ही इतने विषय कहे जा सकते हैं। नोटा है, उम्मीदवारों को अथॉरिटेटिव ईमेल प्रोवाइड करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को, ये सब 2012 से हमने जो PIL किया जी, उसमें से जो डायरेक्टिव्स आए हैं, निर्णय भी आए हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, उन सबका परिणाम हुआ है। तो बौद्धिक, रचनात्मक, आंदोलनात्मक, जैसे अभी बीजापुर में रचनात्मक ताकतों के लोग इकट्ठा हुए, 8 दिन में 20 लाख लोग आकर विजिट किए हैं। अच्छा। जी हाँ, और बीजापुर में था, देश भर के लोग आए हुए थे। आपको मालूम होगा, पुरानी पीढ़ी के लोग जानते हैं, सोशल फोरम होता था, वर्ल्ड सोशल फोरम की बड़ी एक्टिविटीज होती थी, ये उससे भी बड़ा, लेकिन सब स्थानिकता के आधार पर। तो थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली, इस दिशा में बड़ी आपोसी कोशिश है ना, उसी के कारण जो एक सिविलाइजेशनल आग्रह बढ़ा है, उसका परिणाम, वो भी एक कारण है कि आज देश के प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत की बात कह रहे हैं। अब केवल इसमें आगे बहस चलेगी, आपको भी मालूम है कि 50 से लेकर 80 तक सोशलिज्म बज़वर्ड था, 80 से लेकर 2010 सेक्युलरिज्म बज़वर्ड बना पब्लिक अफेयर्स का, लेकिन अब 2010 के बाद आप देखेंगे तो राष्ट्रवाद बना है, अनेक छटाएं राष्ट्रवाद की उभर रही हैं। अब ये क्या है, तो ये सभ्यता मूलक आग्रह है जो सरफेस के नीचे, सतह के नीचे ऑपरेट करता है, और वो समाज का मनोविज्ञान है जो ट्यून रहता है।
दलीय सत्ता राजनीति से तो तात्कालिक फ्रेम में काम करती है। सिविलाइजेशनल मार्च यही भारत सरी के परंपरागत समाजों का मूल तत्व है। मगर बहुत से लोगों को ये रास नहीं आ रहा है, वो कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद के नाम पर विरोध के स्वर दबाए जा रहे हैं। उसका देखिए, इसमें राजनीति का जो पक्ष है उस पर तो मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं मानता हूँ कि इसमें तो जो सत्ता से बेदखल होते हैं उनकी आवाज़ ज़्यादा तीखी हो जाती है, और जो सत्ता में आते हैं उनकी आवाज़ थोड़ी मध्यम मार्ग की हो जाती है। इसलिए उससे परे हम ये महसूस कर रहे हैं कि दलीय सत्ता राजनीति में बहुत दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है, उसके नीचे की गतिविधियों को और दिशा को समझने की आवश्यकता है। उसमें मैं मानता हूँ कि आत्मनिर्भर भारत में एक बार ये स्पष्ट हो जाए कि आत्म क्या है, क्योंकि आज़ादी के आंदोलन के समय से ही इसमें बहुत मिलावट हुई है। इसलिए उस दिशा में थोड़ी बहस आगे बढ़ेगी तो और पानी साफ हो जाए। तो आज देश जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है और जो सामाजिक स्थितियां हैं उसको आप किस रूप में देखते हैं? सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से तो भारत जड़ों की ओर लौट रहा है। आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में बाजारवाद की धमक है, इसलिए इसको थोड़ा अलग करके देखना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि आर्थिक राजनीतिक दिशा में स्वदेशी आत्मनिर्भरता की दिशा और उसकी अपनी सभ्यता मूलक पहचान है देश की, वही तासीर को तय करती है। तासीर है परिवार की भावना, तासीर है उन्मुक्त उपभोग की जगह संयमित उपभोग, तासीर है त्याग, तासीर है संवेदनशीलता, तासीर है जागतिक कल्याण। इस पर आत्मनिर्भर की धुरी आ जाए ना तो समझ लीजिए फतह हो गया सब। आप बीजेपी से लंबे समय तक जुड़े रहे, बिहार में आपने कई नए प्रयोग किए बीजेपी में, और आपके द्वारा प्रशिक्षित और बढ़ाए हुए लोग आज यहाँ नेतृत्व की भूमिका में हैं बीजेपी में, मगर बीजेपी अपने पांव पर खड़ी नहीं हो पा रही बिहार में, इसकी क्या वजह आप आते हैं? इसकी मुझे जानकारी नहीं है। और एक बात बताते हैं आपको, जैसे स्कूल में होता है ना, कोई लड़का पढ़ता है प्राइमरी स्कूल में, बाद में जाकर कंप्यूटर इंजीनियर बन जाए, तो प्राइमरी स्कूल के टीचर के प्रति उसके मन में बहुत आदर रहता ही है। लेकिन प्राइमरी स्कूल का टीचर बेचारा, वो उसके कंप्यूटर इंजीनियरिंग के काम में क्या मार्गदर्शन करेगा? दोनों को अपनी सीमाएँ समझनी है, आदर भी रहे और बड़ों का स्नेह भी रहे छोटों पर। 74 आंदोलन में आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, पूरी रूपरेखा तैयार करने में आप थे, और उस आंदोलन से निकले जो नेता आज हैं सत्ता में या सत्ता के बाहर हैं उन पे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगते रहे हैं, कई नेता जेल में भी हैं, सजा भोग रहे हैं, तो कहाँ चूक हो गई उनके प्रशिक्षण में या उनके सीखने में, देखने में, चीज़ों को समझने में? सत्ता की आँच बहुत तीखी और तेज़ होती है, उसमें अपनी दिशा, अपना लक्ष्य और अपना एक जो भी अपना मॉरल स्टैंड है उसको बना कर रखना ये सहज रूप से संभव नहीं है। इसमें कालक्रमेण भ्रष्टता ये सत्ता का विकार है, तंत्र की विशालता, साधनों की विपुलता सत्ता का वैशिष्ट्य है, ग्लैमर एंड पावर उसका स्वभाव है। इसमें कई बार ये होता है जैसे कटहल काटना हो तो भैया हाथ में तेल लगा लो तब जाओ काटने, नहीं तो लसा लगेगा फालतू में। तो इसी हिसाब से जो तैयारी चाहिए वो केवल आंदोलनात्मक काम से नहीं आती, मेरा अपना मानना है कि उसके लिए आध्यात्मिक अधिष्ठान जरूरी है। ये सब चीज़ें एक सीमा के बाद बेमानी हैं, इसका एहसास रहना जरूरी है। नहीं तो राजनीति के क्षेत्र में मेरा जो अनुभव आया था, मनुष्य पहले सुविधाओं का उपयोग करता है ज़रूरी मानकर, बाद में सुविधाओं का उपभोग करता है, बाद में सुविधाओं का आदि बनता है, फिर शिकार हो जाता है और उसकी स्थिति शहद में गिरी मक्खी की तरह हो जाती है, पंख से लटपटा जाता है शहद, उड़ने की इच्छा होती है मगर वहीं उसका अंत होता है। इसलिए कहीं ना कहीं विराम होना, इसलिए मैंने एक बार आपको ऐसे ही बताता हूँ, एक विदार की बैठक में अपने अखिल भारतीय जिम्मेदार 40 लोग थे, हमने बात रखी थी कि देखिए चुनावी राजनीति की का अपना व्याकरण और गतिशास्त्र है, इसमें
मैं मानता हूँ संगठनात्मक स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है कोई आदमी 10 वर्ष अधिक से अधिक लोकसभा या बाकी विधानसभा चुनाव लड़े, उसके बाद एक टर्म गैप दे, उसके बाद फिर लड़े, तो अपरिहार्यता नहीं बनेगी, न्यस्त स्वार्थ कम घर करेगा, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, फिर अनेक लोग ऐसे धुरंधर खड़े हो जाएंगे, नयों को भी उसमें से मौका मिलेगा, किसी के दिमाग में अन्यथा भाव नहीं आएगा। तो सहज गति है राजनीति की, ऐसा स्वीकार कर ले मन तो बहुत से विकारों से बचाव संभव है। ऐसी छोटी छोटी 40 बातें उस बैठक में उभरी थी। ये कश्मीर में 370 हटाया गया, मगर उसके बाद भी वहाँ आतंकी गतिविधि रुक नहीं रही है, लगातार तो नहीं ठीक है। भाई हुआ कितना है देखे ना, 50 साल से ज़्यादा के अलगाववाद की समस्या, तो भैया 5 वर्ष तो लगेगा ना, इसमें ये ऐतिहासिक निर्णय था ना, साहसपूर्ण निर्णय भी था। 50 साल से बहुत लोग सोचते थे कि मैं कोई हिम्मत कहाँ, ये तो इसके लिए तो आखिर जिसने निर्णय किया अहम, तो प्रधानमंत्री मोदी जी को श्रेय देना चाहिए। 3 तलाक का विषय था, राम जन्मभूमि के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भूमि पूजन में ठोक करके खुद उपस्थित होना अच्छी बात है, मगर उस पर भी आपत्ति हुई, विपक्ष ने कहा कि इसीलिए कह रहा हूँ, इसमें मेरा अपना मत है कि विपक्ष को अधिक गंभीरता से अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों और मूल्यों के अनुसार और लोकतांत्रिक तरीके से नए नवाचार करते हुए बात उठाने की शैली अपनानी होगी। उसमें वो कई बार काल बाह्य को हो, कई बार हताशा के अभिव्यक्ति को हो, कई बार अपरिपक्व कमेंट कहिए, अशालीन टिप्पणियाँ कहिए। अभी देखिए राज्यसभा में जो व्यवहार हुआ जी, वो अच्छी छवि थोड़े और अच्छा संदेश थोड़े देता है, इसलिए अधिक जिम्मेदारी से काम करने की ज़रूरत है। तो लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए केवल कहना, और उसमें ऐसे अपने लिए अनुकूल आचरण न होना, ये तो ठीक नहीं। फिर हम बिहार पे लौटे, बिहार में आप लगातार संपर्क में रहे, आते जाते रहे हैं, तो जब आप यहाँ थे और अब जब आते हैं तो कोई बदलाव आप देखते हैं, सामाजिक राजनीतिक बदलाव? नहीं, कालक्रम में तो बदल आया है, लेकिन मैं अपना जी हिसाब सोचता हूँ कि लोगों की सोच में कोई बदलाव आया है, कुछ और बदल होने की ज़रूरत है, जिसमें प्रबंधन का विषय मैं मानता हूँ। एसेट क्रिएशन तो यहाँ स्वभाव में आ गया है, सफल होने की इच्छा भी अब आने लगी है, यह बहुत अच्छी बात है, और अनुभव भी अच्छा रहा है। लेकिन प्रबंधन आप कहीं भी आप देखेंगे तो एसेट क्रिएट हो जाता है, मेंटेनेंस की व्यवस्था नहीं। इस दिशा में बढ़ना, और हमको नानाजी देशमुख एक बात कहते थे कि देखो भाई, सादगी का मतलब गंदगी नहीं होता, तो इसलिए स्वच्छता की ओर अधिक ध्यान की ज़रूरत है। बाकी तो जो दिखाई पड़ता है, मुझे एक अच्छी बात हुई है, गंगा जी के किनारे जब मैं आता हूँ यात्रा प्रवास पर हूँ, तो देखा है पहले की तुलना में शौच नदी के पास करने की उसमें थोड़ी कमी आई है, अच्छी बात जी। आरा बक्सर सब देखे थे हम। और अभी चुनाव होने वाला है बिहार में विधानसभा का, कल ही चुनाव आयोग ने घोषणा की, तो आपको लगता है कि ये समय उपयुक्त है जिस तरह की स्थितियाँ अभी कोरोना को लेकर बनी हुई हैं, तो चुनाव कराना अभी सही फैसला है? नहीं, आवश्यक कदम है, साहसपूर्ण कदम है। और आप जिससे भी पहले आप देखिएगा, जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ था, उत्तर पूर्व में चुनाव हुआ था, और भी भयंकर स्थितियाँ थी, तो भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को रोका नहीं गया, इसलिए रोका गया। इसमें पक्षीय विधि निषेध होना चाहिए, और अभिव्यक्ति और संवाद कम ना हो, इसकी चिंता सभी राजनीतिक दलों को भी करनी चाहिए, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, आपसी विश्वास और संवाद कायम रहे। ये बिहार ही नहीं, देश भर की राजनीति के लिए बहुत ज़रूरी है। और विपक्ष लगातार कमजोर होता जा रहा है, चाहे वो बिहार में हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो, इसकी क्या वजह है, क्यों विपक्ष एकदम भूल रहा है? वही बात, क्योंकि देखिए, आपने भारत को गढ़ने का अपना खाका, अपना सपना वो छोड़ दिया,
और समाज और लक्ष्य केंद्रित ध्येयवाद की राजनीति नहीं रही तो सत्ता की राजनीति रहेगी। फिर लगेगा हमको जहाँ सबसे ज़्यादा फायदा वहाँ हम जा भी देखें ना जो जो हुआ है। इसलिए दलों की अपनी पहचान भोथरी हो गई, अपनी धार भोथरी हो गई। उसमें जो आप पार्टी के पार्टियों के कार्यालयों में जाइए तो हमें क्या मिलेगा का भाव ही हावी हुआ ऐसा लगता है। हम समाज के लिए कितना करें इस पर चर्चा कम होती दिखती है। तो इसके लिए तो जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको ही अपने अंदर और परिमार्जन करना चाहिए। तो नई पीढ़ी को उन पुराने लोगों से वो सीखना चाहिए और नई पीढ़ी के प्रति प्रयोग करने का अधिकार उन्हें दिए जाने की ज़रूरत है, उन पर विश्वास करने की ज़रूरत है। क्षमता बहुत है और आज का युवा तीन प्रकार की खुमारी से मुक्त हो रहा है। उपनिवेशवाद की खुमारी, विभाजन की खुमारी और खोखले सरकारवाद की खुमारी। कुछ स्वयं भी करना चाहता है, इसलिए निर्णय में सहभागिता और प्रयोग करने का अधिकार इसको युवा के संदर्भ में बढ़ाने की ज़रूरत है। तो गोविंदाचार्य जी ने कहा कि युवाओं को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, उनका विश्वास जीतने की ज़रूरत है और उनको ज़्यादा बड़ी भूमिका देने की ज़रूरत है। बिहार में चुनाव है, क्या राजनीतिक दल इससे कुछ सीखेंगे, युवाओं को की भूमिका बढ़ेगी, टिकट देने में युवाओं को प्रमुखता मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब आने वाला समय ही दे सकता है। हमारी बातचीत यहीं समाप्त होती है। गोविंदाचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना बहुमूल्य समय हमें दिया, धन्यवाद। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।